छोटू अंदर आ जा, बारिश हो रही है। गाड़ी धुल गई? हाँ भैया धुल गई। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता। ये लो। भैया आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो ना? हाँ क्यों? मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी स्कूल जाना है। घर से किसी को भेज देना, मैं बात कर लूँगा। भैया मैं तो अनाथ हूँ, ये जो पीछे रोड है ना, बस वहीं फुटपाथ पर रहता हूँ। स्कूल की फीस कैसे भरोगे? कितनी फीस होगी वैसे? वैसे तो 10,000 है, पर मैं कुछ कम करवा दूंगा। पढ़ाई तो अच्छी होती होगी ना? अगर तुम्हें सही में पढ़ना है तो तुम कहीं भी पढ़ लोगे। यहीं रुकना। पढ़ने के लिए स्कूल की नहीं, मन और किताबों की जरूरत पड़ती है। मन तुम्हारे पास है, किताबें मैं देता हूं। थैंक यू भैया। जा। पढ़ रहा है? लिखा। अरे खा ले यार, आज ज्यादा मिल गए भाई। चल घूम कर आते हैं। इतनी देर से सोच क्या रहा है? पढ़ना है मुझे। ये पढ़ाई लिखाई अपन लोगों का काम नहीं है, ये सब बड़े लोगों के काम है। अपना काम है मजदूरी करना, कचरा उठाना, पन्नी बीनना। अभी ये सब काम अगर अपन करने लगे तो कचरा कौन उठाएगा, पन्नी कौन बीनेगा, भीख कौन मांगेगा और मजदूरी? पर मुझे पढ़ना है, सबकी तरह मुझे भी स्कूल जाना है। तो जाना। 10,000 फीस है स्कूल की, और मेरे पास ये 40 रुपए हैं। तो एक काम कर, सो जा और सपने में चले जाना स्कूल। ले खाएगा। स्कूल जाएंगे।
ये ले, इसमें 10,000 तो नहीं 5,000 रुपए। कहाँ से लाया ये? वो खड़ा है वो। ये पैसे क्या तेरे बाप के हैं? पर्स ला मैडम का। क्यों चुराए तूने ये पैसे? ये बताने के लिए कि पढ़ाई हमारे लिए नहीं बनी है, हम पढ़ाई करके भी वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, चोरी। पढ़ाई? और तुम लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए बने हो या ज्यादा से ज्यादा चोरी चकारी करने के लिए? सब इस पढ़ाई की वजह से हो रहा है। अगर गलत रास्ता चुनता शायद भगवान भी मेरा साथ देता, पर नहीं, मैंने तो पढ़ाई चुनी है जिसमें कोई मेरा साथ नहीं देगा। यहां से कूदकर कहानी को ही खत्म कर देता हूं। सुसाइड करना गलत है। बच्चे कौन हो तुम? मेरा नाम अमृत है और मेरी मम्मा कहती हैं कि प्रॉब्लम ट्रेन की तरह होती है जो हमें कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाती है। तुम्हारा घर कहाँ है? यहीं पास में। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे साथ नहीं, आप खुद के साथ चलिए। अरे बच्चे, बच्चा कहाँ गया?